छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान पूरा हुआ तो वहीं महादेव ऐप को लेकर सियासी संग्राम भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने सीएम बघेल को कटघरे में खड़ा किया तो भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी की ही साजिश करार दी। विश्रामपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव सट्टेबाजी घोटाले का जिक्र करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, सब लोग कहते हैं 30% कक्का और खुलेआम सट्टा, यहाँ के सीएम के करीबी जेल में बंद है। उसका मालिक खुद कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री को रुपया दिए थे। ऐसे आरोपों से घिरे लोगों को एक भी दिन सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। इनके पापों ने पूरी पार्टी को डुबो दिया। पीएम मोदी ने इस मामले में सीएम बघेल पर कर हमला तब किया जब ईडी के इन्वेस्टिगेशन में बघेल का नाम सामने आया। ईडी ने दावा किया है कि असीम दास नाम के शख्स ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूली है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए महादेव ऑनलाइन सट्टा के संचालकों को बीजेपी के बड़े नेताओं का करीबी बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी हार के डर से साजिश कर रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में 50-55 सीटें आई तो 5-10 विधायकों को ईडी उठाकर ले, कांग्रेस 75 सीटें लाई तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जो कुछ कह रहे हैं वो किसी न किसी वजह से सुर्खियां जरूर बन रहा है। बिहार के सीएम इस बार क्या कह बैठे जरा देखिए। मामला बिहार विधानसभा का है जहां सीएम नीतीश कुमार ने प्रजनन दर घटने का मुद्दा उठाया, लेकिन इस दौरान ऐसी ऐसी बातें कहीं और इस अंदाज में कहीं जो हम न तो आपको उनके किए हुए इशारों को दिखा सकते हैं और ना ही उनकी कही हुई बातों को सुना सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान और इशारों पर सत्ता पक्ष के नेता हंसते रहे तो वहीं विपक्ष के नेता जमकर मजे लेते दिखाई दिए। वहीं नीतीश कुमार का एक और वीडियो सामने आया है जब वो मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर पहुंचे। सामने महावीर चौधरी की तस्वीर थी जिस पर फूल चढ़ी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने फोटो पर फूल चढ़ाने के बजाय मंत्री जी के ऊपर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। प्रजनन दर पर जो अजीबो गरीब बयान नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिया है उस पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है और उसे सेक्स एजुकेशन से जोड़ते हुए लोगों को नजरिया बदलने की सलाह दे डाली। कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है गलत बात, एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आए तो सेक्स एजुकेशन के बारे में जस्टिफाई करना है किया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जज ने क्यों लगाई फटकार दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए राजस्थान के चुनाव में गहलोत के पीछे लाल डायरी कब दी। राजस्थान के नावा से अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। शाह ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। शाह ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो हालात ऐसे हैं कि लाल रंग देखकर ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में कर्नाटक वाला 7 गारंटी फार्मूला लागू कर दिया है। अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गारंटी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा सभी 7 संभागों, 31 जिलों और 140 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में आज नक्सल प्रभावित 20 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। मतदान के दौरान सुकमा में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अर्धसैनिक बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है जिसमें कुछ जवान घायल हुए हैं। वहीं मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में करीब 1/3 जनसंख्या गरीब है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 42.70% और सामान्य वर्ग के 29.9% परिवार गरीब हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों में सबसे ज्यादा भूमिहार और ब्राह्मण हैं।